सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यह बहुत पुरानी कहावत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर अंचल क्षेत्र के बरियारपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में हैं और एक ऐसी लापरवाही को हम दर्शाने जा रहे हैं जिसके कारण चार घर जो है रात 12 बजे लगभग जल कर राख हो गया और निंद्रीय अवस्था में यहाँ के लोग जगे आनन फानन में आग पर अग्निशामक के सहयोग से काबू पाए हैं। घटना कैसे घटी है उसको हम बारीकियों से घटना स्थल पर दिखाएंगे। कैमरामैन आ जाइए। ये तमाम जो लोग हैं ये सभी लोग पीड़ित लोग हैं और अभी इनका आशियाना जो है उजड़ चुका है। यह बहुत पूंजीपति लोग नहीं हैं, आप देख सकते हैं ये दृश्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 3 विस्फोटक चीज भी रखा हुआ है। सामने देखिए ये गैस सिलेंडर, ये अगर गैस सिलेंडर फटता तो पूरे गांव को बर्बाद कर देता। लेकिन यह जो है घटना बहुत बड़ी घटना घटने से लोगों ने बचा लिया और इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट भी है, देख सकते हैं आप बिजली। ये तमाम जो चीज़ है ये गरीब का एक एक चीज़ जो है जल कर राख हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने बर्तन, ये थरिया, ये गैस, ये सिलेंडर, आप देख सकते हैं कि एक गरीब का पूरा यहाँ पर आशियाना उजड़ चुका है। और मामला को हम बहुत पूरी बारीकियों से हम बताएंगे, पर उससे पहले जो है हम दर्शकों को प्रत्येक चीज़ को दिखाएंगे और जिला प्रशासन को दिखाएंगे। ये हमारे कैमरे के सामने ये छोटा वाला गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट किया हुआ है और इसका जो है ब्लास्टिंग बहुत तेज था। और यह जो है मामला यह है कि मनोज राय का यह घर था और मनोज राय का घर का यही चूल्हा है। यहाँ पर इनकी बीवी जो है खाना बनाने के बाद और इस पर जो है गीली लकड़ी को रख दी और रख कर जो है सो गई और सोने के बाद जो है रात को 12 बजे यहीं बगल में टाट मड़ई से ये सबको रखा गया था, घेरा गया था, आग पकड़ लिया। आग पकड़ने के कारण जो है मनोज राय का घर जो है पूरी तरह से जल कर राख हो गया और बगल में ये शंभू राय का घर है यह भी जो है पूरी तरीके से जल कर राख हो गया। और इस बगल में आपको हम दिखाएंगे, इधर से कैमरामैन को हम कहेंगे, ये पूरे दृश्य को जो है हम दिखा रहे हैं, ये कुछ घर जो है क्षतिग्रस्त हो गई है और क्षतिग्रस्त जो है आप देख सकते हैं पूरा भूसा उसा सब में आग पकड़ लिया है। बरसात का मौसम है, सूखा नहीं होने के कारण, नहीं तो आग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल का काम था। आप देख सकते हैं ये क्षतिग्रस्त घर है, ये जियालाल राय और रंजीत राय का घर जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, यानी कुछ भाग जो है घर का जल के राख हो चुका है। और मनोज राय और शंभू राय का घर जो है पूरी तरीके से जल गया है। आज उनके घर में भोजन कहाँ बनेगा और रात्रि वह लोग विश्राम कहाँ करेंगे, इसके चिंता में उनके पूरे परिवार जो है पड़ा हुआ है। और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो लोग हैं उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कैसे आग लगा है। तो की जाने हम सूतल लगी है। कहाँ घर है राहुल? हमारे वहीने घर बा। वहीने घर है। हाँ, ये जो है दूर के लोग है, कैसे आग लगा है? आग लगा सर, हम लोग सोए हुए थे, देखे नहीं कि कैसे आग लगा। अच्छा, जब आग लगा सोए हुए थे तो जब देह पर धा लगा तो उठे तो देखे जब तक पूरा घर जल कर राख। कहाँ सोए हुए थे आप? इसी घर में, जो जला है उसी घर में है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मनोज राय हुआ सर। आप ही का घर में आग लगा? जी जी। तो आपका घर में तो पता चला है कि लकड़ी जो है खाना बनाकर चूल्हा पर रख दिया गया था। हम नहीं देखे सर, हम मजदूर आदमी है, काम करके आए, थके हुए थे, खाकर सो गए, पता नहीं लगा। क्या मजदूरी करते हैं आप? हम राजमिस्त्री के जोड़े लेबर में काम करते हैं सर। यही है मनोज राय जो पीड़ित हैं और इनके घर में जो है आग लगने के कारण कुछ भी नहीं बचा है और यहाँ तक कि इनके पास एक पुराना जंघिया भी नहीं है कि स्नान करके बदल पाएंगे। ये स्थिति मनोज राय का घर का है, आप देख सकते हैं कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारे सामने जो है ये बर्तन रखा हुआ है, ये सब जल कर जो है पूरी तरीके से राख हो गया है। ये खाना बनाने वाला डब्बा डुब्बी है, आप देख सकते हैं इसको। और हम जिला प्रशासन को भी बहुत गौर से दिखाना जा रहे हैं, इसको देखिए आप कि एक गरीब के पास जो है
खाना बनाने के लिए ये कढ़ाई में लगता है कुछ बना कर रखा हुआ था और इसी तरह ये भी जल के राख हो गया है। फिलहाल जो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये देखिया जाए कि हमारे कैमरे के सामने ये जो है इनके घर में जो खाना बनाने के लिए चावल स्टॉक रखा गया था ये भी जलकर जो है पूरी तरीके से राख हो चुका है। और आज इनके घर में क्या भोजन बनेगा इसके लिए भी यह लोग पूरी तरीके से चिंतित हैं। हम यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे ही बयान लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कहेंगे घटना के बारे में? घटना तो दुखद है, चाहे हमारे घर में हो चाहे किसी के घर में हो। क्या नुकसान हुआ है? घर जल गया तो मैं जो भी होगा तो नुकसान ही होगा ना। तो उनके पास जिनका घर में नुकसान हुआ उनके पास और भी कोई रहने का स्थान है कि नहीं? नहीं है दूसरा स्थान। कोई दूसरा स्थान नहीं। कितने लोगों का नुकसान हुआ है? दो आदमी का पूर्णतः जल गया है। किसका किसका? मनोज राय शंभू राय का। अच्छा। और सियालाल राय और रंजीत राय का क्षतिग्रस्त हो गया। कितने बजे घटना है? ये घटना लगभग 12:15 बजे रात की है। कैसे आग लगी? ये मुझे मालूम नहीं कैसे आग लगी। अच्छा, अग्निशामक पहुंचा हुआ था? हाँ, पहुंचा हुआ था। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कृष्ण कुमार निषाद, मुखिया बरियारपुर। कैसे घटना घटी? बोला वो रात को 12:15 बजे घटना घटी। रात को 12:15 बजे घटना घटी। क्या कारण था घटना का? कारण तो उस समय कोई अथी नहीं देखे, लेकिन दो घर जो है कि जल गया है पूरे से। दो घर पूरे से जल गया? जी। किसका घर जला है? मनोज राय शंभू राय। क्षतिग्रस्त भी है किसी का घर? तीन आदमी का। तीन आदमी का? किसका किसका? रंजीत राय। हाँ। और कहते सियालाल राय। अच्छा। दो ही आदमी? दो ही आदमी का। जी। क्या है आप यहाँ के? वार्ड। आपका घर यहाँ घटना स्थल से कितना दूरी पर है? बस बाजू में है। बाजू में है और इतनी बड़ी घटना घट गई और आपको जानकारी भी नहीं है? ना ना, घर है। घटना घटी हाँ? कैसे आए तब तक हो गया था? उस समय रात के 12:15 में कोई भी सोने के बाद में उतना थोड़ी अति होता है। प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि तत्काल जो है आपदा से इन गरीबों को अनुदान दिया जाए ताकि गरीबी में या लोगों को जीवन जीने में परेशानी नहीं हो सके। ये आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने ये पूरे गरीब का हर चीज़ जल चुका है। रात का ये लोग भोजन कैसे करेंगे और अगर बारिश आ जाए तो ये लोग कहाँ रहेंगे, इस बात की चिंता इनके पूरे परिवार को है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।